मम्मी मुझे आपसे बात करनी है। अब क्या करने आई हो? अगर उम्मीद की शिकायत लेकर आई हो तो मुझे नहीं सुनना। आपको सुन के अजीब लगेगा मगर मैं दादी और फूफो की शिकायत लेके आई हूँ। क्या मतलब? मुझे दादी और फूफो की सारी साजिशों के बारे में पता चल गया और वो आज तक जो आपके साथ करती आई है वो भी मुझे पता चल गया है। और कोमल काला के साथ भी उन्होंने जो किया था सब मालूम है मुझे। ये तुम क्या कह रही हो रमन? तुम्हें तो यही बताया गया है ना कि उम्मीद कोमल आपी की मौत की जिम्मेदार है और मेरी वजह से नीलम का घर बर्बाद हुआ है। सब झूठ है। उन दोनों का असली चेहरा मेरे सामने आ गया है और एक बार नहीं कई बार आया है। और वो पीठ पीछे आपकी बुराइयां करती थी और आपके खिलाफ साजिशें भी। और उन्होंने तो सारों को भी जाके कत्ल की धमकी दी ताकि वो फरहान से शादी से इनकार करते और ज़ारा से शादी करवाए। क्या? ये सब क्या कह रही हो तुम? सच है अभी मैं गवाह हूँ इन सब की। या मेरे अल्लाह, इतना सब कुछ हो गया और तुम चुप रही। तुम्हारे अपने भाई की खुशियां छीन ली गई और तुम देखती रही। मैं मजबूर थी, उन्होंने मुझे चुप करवा दिया था। पर वो ने आपके खिलाफ मुझे इतना उकसाया कि मैं आप ही को कसूरवार समझती रही। तो तुम ये मुझे आज क्यों बता रही हो? बोलो, अब क्यों बता रही हो तुम? समझ गई मैं, क्योंकि तुमसे तुम्हारी दादी ने जुनैद से शादी करने का वादा किया था जो वो पूरा नहीं कर सकी, इसलिए तुम आज गुस्से में आकर उन्हें सबक सिखाने के लिए मुझे बताने आई हो, है ना? आप ये समझ लीजिए। रमन, अभी भी तुम्हें सिर्फ अपनी फिक्र है। सच्चाई जानकर भी तुम उसका इस्तेमाल तब करती हो जब तुम्हारा कोई फायदा ना हो। क्यों रमन, क्यों हो तुम उनकी तरह? क्यों? तुम मेरी बेटी हो, मेरी जान हो। तुम्हें हक और सच का साथ देने की तरबियत दी है मैंने। फिर क्यों रमन, क्यों तुम हमेशा अपनी दादी की बातों में आती रही हो? क्यों रमन, क्यों अपने भाई के खिलाफ उनका साथ दिया? क्यों अपनी बहन की खुशियों के खिलाफ हो तुम? आखिर कब तुम्हारी आंखें खुलेंगी? कब? क्यों खुद को तकलीफ दे रही हो तुम? क्यों हम सबको तकलीफ दे रही हो तुम? आखिर कब तुम्हारी आंखें खुलेंगी? जवाब दो, कब खुलेंगी? है चल रहा कब से ये सिलसिला, मिलती रही इस दिल को सजा। तुम भी सुनो दिल के रोग कभी, तन्हा मनाए हैं सोग सभी। सब थे बेगाने देखा जिधर, हमको रही बस तेरी फिक्र।